वेलकम बैक नासरीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया, हम ब्रेक के बाद एक और मेहमान के साथ हाज़िर होते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है एमक्यूएम पाकिस्तान से शेख सलाउद्दीन साहब, इंचार्ज बल्दियाती कमेटी से। दो बार आप एमएलए भी रह चुके हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में। कैसे हैं पहले तो ये बताएं आप। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आपको मालूम है, बल्दिया टाउन से काफ़ी टाइम जीतने वाली, मतलब अपनी हुकूमत करने वाली बल्दिया टाउन के में एमक्यूएम पाकिस्तान जो है छठे नंबर पे कैसे आ गए? देखें, सबसे पहले तो ये है कि आपको वो पूरी डायनेमिक देखनी होगी जो कि NA 249 की थी। बेसिकली ये सीट हमारे पास रही है ज़रूर, और ये सीट बहुत सारी मरतबा हमारे पास मतलब नहीं भी रही। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो कि डीलिमिटेशन के बाद हुई। जिस वक्त ये हमारे पास सीट थी, उस वक्त हमारे जो ज़्यादातर हिस्से थे वो जिसमें हमारे उर्दू स्पीकिंग महाजिर और दीगर कौमियतें के लोग थे जो कि जिन्होंने माइग्रेशन की आफ्टर इसके पाकिस्तान के बनने के बाद, तो वो लोग सब वहीं बे थे। और आपको याद होगा एक महाजिर कैंप होता था बहुत बड़ा वहाँ पे, महाजिर कैंप के नाम से भी। तो ये वो सारे इलाके थे जिसके ऊपर मतलब हमारी अपनी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। हुआ ये था कि जब आपको याद होगा कि हमारे साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे, उन्होंने जो है कराची के जो बदहाली केस के ऊपर एक केस शुरू किया था एक ज़माने में, और उन्होंने बहुत सारे मामलात देखे थे। तो उस पर उन्होंने एक ये उनकी जो इख्तरा थी कि ये जो शहर है उसको डिवाइड किया जाए और ऐसे डिवीज़न की जाए कि किसी एक के पास जो है वो मेजॉरिटी ना रहे। सही। ये एक ऐसी साजिश, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी रही है जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक तरीके से जो है उसको काटने की कोशिश की गई जो कि ओरिजिनल जो मैंडेट रखने वाली जमात थी। आज आप देख रहे हैं कि उसके असरात जो है कैसे पड़े हैं। सीट्स का इतना नहीं होता, असल मसला ये होता है कि जो मकामी लोग होते हैं उनका मैंडेट और मकामी लोगों की क़यादत हो। अगर बाहर से लोग आते रहेंगे, क़यादत करते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। इससे कब भी जब MQM नहीं थी तो एबटाबाद से अंगड़ाई लेके आके यहाँ पे इलेक्शन लड़के चले जाते थे। इसके अलावा बहुत सारे आप ऐसे कैंडिडेट देखेंगे जो जिनका ताल्लुक था नहीं। ये तो जब कराची के हालात जैसे जैसे अबतर होते गए और यहाँ पर महरूमियाँ होती गईं, लोगों को ऐसा से महरूमी हुई, उसके बाद MQM जो है वजूद में आई ना। MQM के वजूद में आने की वजह क्या थी? क्योंकि हम लोग बेसिकली वो लोग हैं जो वर्किंग क्लास के, मिडिल क्लास के लोग हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे बाप दादा ने कभी जो है सियासत में ना हिस्सा लिया ना, मतलब मैं अपनी बात करूँ, मेरे ख़ानदान में कभी कोई काउंसलर भी मुंतखब नहीं हुआ। अच्छा। तो मैं मतलब ज़ाहिर है कि डायरेक्ट MNA बना, अल्लाह का शुक्र है कि हाँ, अल्लाह का शुक्र है। और ये पार्टी की वजह से, MQM की वजह से, कि MQM ने भरपूर जो है वो अपना मुझे मैंडेट दिया, यानी कि एतमाद दिया, जिसकी वजह से मैं इलेक्शन में हिस्सा लिया हमने। लेकिन बहरहाल आपको मालूम है कि कराची में जो पढ़ी लिखी क़्यादत थी, जिस तरह से आपने देखा होगा 87 के बाद हम लोगों ने प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स में आए, जिसमें सबसे पहले जो है जब हमें मेयरशिप मिली तो उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार थे, और उन्होंने भी भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया। उसके बाद दीगर जो हमारे पास क़्यादतें आई उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कराची के मैंडेट को जिसने तस्लीम किया सही मानों में, वो थे साबिक जनरल सदर परवेज़ मुशर्रफ़ साहब, जिन्होंने हकीकतन जो है हमारे साथ बैठ के बात की। और उसके बाद जो है जो एक प्रोपोर्शनेट कराची का हिस्सा था, जिसमें गवर्नर थे, गवर्नर हुसैन डॉक्टर इशरत इल्वाद थे, फिर उसके बाद साबिक मेयर थे, फिर उसके बाद और हमारी पूरी क़्यादत थी जो सूबाई क़्यादत थी, फिर हम नेशनल लेवल के ऊपर भी वहाँ पर भी हमारे पर मिनिस्ट्रीज थी। तो एक ऐसा वक्त था जो कि तकरीबन ये समझ लें कि ये आता है 2005 से लेके 2009 तक का, ये वो हमारा 4 साल का दौर था जिसमें भरपूर तरीके से सपोर्ट मिली फाइनेंस की भी, यानी कि जो फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है काम करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो वो डेवलपमेंट मिली थ्रू PWD, थ्रू बल्दिया, क्योंकि उस वक्त भी हमारे पास जो बल्दिया थी वो हमारे पास पूरे वसाइल के साथ थी, पूरे डिपार्टमेंट हमारे पास थे, यानी कि जो अहम डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें
आप वाटर बोर्ड है जिसमें हम सेवरेज का निज़ाम देखते जी हैं, हाँ जिसमें वाटर का निज़ाम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास KBCA था उस ज़माने में, जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होता था वो हमारे पास, KDA हमारे पास। तो ये वो थे जो बल्दियात के अंडर अम्ब्रेला थे, यानी बल्दियात के अंडर में आते थे, जिसकी वजह से कराची के अंदर आपने देखा होगा उस वक्त डेवलपमेंट भी हुई। और जो हमें जो फंड्स जो है प्रोवाइड किए गए वो सारे के सारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें आप ये देख रहे हैं कि जितने अंडर पासेस, ब्रिजेस, ये सब जो बने हैं उसी वक्त उसी ज़माने के हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त एक मैंडेट जो था हमारा, जो जो आवाम ने हमें मैंडेट दिया था, उसको उस वक्त की हुकूमत ने तस्लीम किया, उन्होंने काम करने के मौके दिए, तो वो काम हो गया और उस वक्त कराची बन गया। और उस वक्त मैं समझता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप पूरी फिगर देखेंगे उस वक्त की कि पाकिस्तान में कराची में जो इन्वेस्टमेंट आई, उस इन्वेस्टमेंट से लोगों को फ़ायदा हुआ, यहाँ के कारोबारी हजरात, बिजनेस मैन, वो फले फूले, उसके बाद यहाँ पर रोज़गार के मौके मिले, तो वो तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से कराची पनप रहा था और बढ़ रहा था। बदकिस्मती से क्या हुआ कि जब 2008 के एंड के अंदर ये सब चीज़ें ख़त्म हुई, यानी 2009 के बाद फिर इलेक्शन ही नहीं करवाए गए, जो कि बल्दियात के होते अगर वो कंटिन्यूटी बरकरार रहती उस 4 साल के बाद, मज़ीद जो है वो इलेक्शन होते और उसके बाद दोबारा से जो है वो जो भी जमात आती जिसको भी मैंडेट मिलता अगर वो काम करते रहते तो शायद आज ये शहर बेहतर होता। 6 साल गैप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा स्लो मोटो एक्शन लेते हुए उन्होंने फिर जो है वो इस इलेक्शन को कराने के लिए वहाँ से हिदायत जारी की, तो उसके बाद फिर ये इलेक्शन हुए जो लास्ट इलेक्शन थे। हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है, फिर मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, आपकी आवाज़ बहुत कम है। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं इसमें बोल रही हूँ, कराची से। जी जी, कहिए। माशाल्लाह से प्रोग्राम मैं देख रही थी अभी, मुझे अच्छा लगा इनका प्रोग्राम। थैंक यू। और दिल चाह के मैं बात करूँ तो, और इत्तेफाक से मेरी कॉल भी लग गई है, जी जी। मुझे खुशी भी हो रही है। दूसरे ये वाकई में हम लोग कराची में रहते हुए ना, अब हम लोग ये समझ जाएंगे कराची का कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। सही। क्योंकि जिस तरह का हालात हो चुके हैं ना कराची में, इतना खराब, और जगह जगह की जिस जगह भी जाए वहाँ पे गंदगी, सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह हो गया। मेरा अपना इलाका, हम लोग फेडरल कैपिटल एरिया से हैं, ठीक है। जिस टाइम हम लोग पहले थे यहाँ पे, तो मैं कहती हूँ यहाँ पे हर चीज साफ सुथरी, पानी, बिजली का इंतजाम भी इतना अच्छा था। और अब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारी जो इस्तकबाल होता है कचरा कुंडी से होता है, जिसमें इतनी बदबू है ना कि बस हम सोचते हैं कि यार कि कोई तो ऐसा आए जो इसको सफाई करवाए। जी ठीक है, सही है। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। जिस तरह से उन्होंने बताया गया, मतलब वाकई हम चाहते हैं कि कोई तो आए जो आवाम को मतलब इस तरह की जो गंदगियों से जो है सफाया करवाए, और आवाम जो है अपनी मतलब खुशहाल जिंदगी जिए। ये मतलब कराची का जो सूरत हाल है, अभी जो पिछले दिनों बारिशें हुई थी, पानी का निज़ाम के सामने था कि कितना कितना पानी जमा हो गया था, दरिया का मंजर पेश कर रहा था कराची शहर। और अगर खुदा न खास्ता अब इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो तब भी मुझे तो लगता है कि पहले से बदतर सूरत हाल हो चुकी है, और कराची में तो कचरे का अंबार लग चुका है। इसको ये कब तक मतलब इस तरह से कराची को ये लवारिस छोड़ते रहेंगे, कब तक इस तरह से आवाम जो है परेशान रहेगी? देखें, ये कंसर्न जो था अभी जो हमारी बहन ने किया, यकीनन एक कंसर्न बिल्कुल सही है। और ये फेडरल कैपिटल एरिया की बात कर रही हैं, मेरे ये इलाका देखा हुआ है काफ़ी। देखें, एक तो ये कि मैंने कहा ना कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट किसकी है? पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी का मसला क्या है कि ये जो है इस वक्त उन्होंने एक मुतसबाना जो रवैया रखा हुआ है कराची के आवाम के साथ। देखें, ये कचरा उठाने का जो मसला है वो आता है बल्दियात के अंदर, ठीक है ना। हर गवर्नमेंट, मतलब दुनिया तम की गवर्नमेंट आप उठा के देख लें, जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो उसकी जिम्मेदार होती है। ये वाहिद सिंध गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की कि सिंध गवर्नमेंट ने ये शोभा भी अपने पास रखा हुआ है कचरा उठाने का, लेकिन फिर भी। और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनको उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है। ये मैंने कहा ना कि जिस वक्त हमारे पास 2005 में हम लोग जिस लोकल गवर्नमेंट में थे, ये सारी चीज़ें हमारे पास थी तो हम जिम्मेदार होते थे। देखिए, किसी को एक को जिम्मेदारी आप दे दें, जैसे मेयर कराची की बात होती थी, साबिक मेयर को बहुत सारे लोग सवालात करते थे, लेकिन मसला ये था कि उनके पास था क्या? उनके पास वो स्केमसी का वो एक डिपार्टमेंट था जहाँ पे तनख्वाह दे दो और बस उसके बाद बैठ के चले जाओ सुबह से शाम तक। मतलब उनके पास कोई पावर्स नहीं, उनके पास ये सारे डिपार्टमेंट नहीं थे। अगर ये सारे डिपार्टमेंट होते तो उनको बुला के पकड़ के हम खुद पूछते हैं उनसे
कि भाई ये क्या हो रहा है। तो सही। ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं सिंध गवर्नमेंट ने अपने हाथ में। मैंने कहा ना कि वाटर बोर्ड उनके पास है, जो पानी का और सेवरेज के निज़ाम उनके पास है, कचरे का निज़ाम उनके पास है। ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंगें गिर रही हैं, ये जो इंक्रोचमेंट हो रही है, ये सारा निज़ाम उनके पास है। KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी वो उनके पास है। तो हमारी सिर्फ लड़ाई ये थी कि हम देखें हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम इस वक्त असेंबलियों के अंदर हैं, सिंध असेंबली के अंदर हमारी मेजॉरिटी नहीं है। हमें उस जब तक के 60, 70 या 80 सीट्स नहीं होंगी हम ये कानून साजी नहीं कर पाएंगे। ये कानून साजी इंटीरियर के लिए हो रही है। बदकिस्मती से ये है कि जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है इंटीरियर में भी काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही भाई? तो ये जो है बेसिकली इस वक्त जो है ये गैर सिंधी हुकूमत है। ये समझने की बात है कि ये सिंधियों की हुकूमत नहीं है, गैर सिंधी है। यहाँ पर कब्जागीर बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो कि ये पीछे से देखेंगे तो ये बलोच और दिगर लोग हैं। ये लोग ये वो लोग नहीं है। अगर ये सिंध के होते तो सिंधी अवाम के लिए तो काम करते। ये सिंध के अवाम के लिए काम नहीं कर रहे हैं लोग। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब आम सिंधी को समझना चाहिए। वो भी इस वक्त जो है वो परेशान है, इंटीरियर में लोग परेशान है। वहाँ पे आप अगर जाके देखेंगे इस लड़काने की सूरत हाल आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ये लड़काना ऐसे बदीन में चले जाएं, आप खैरपुर में चले जाएं, आप टंडो आदम में चले जाएं, आप परेशान हो जाएंगे। आप देखेंगे ये सिंध भाई, आप चलो कम से कम आपको यहाँ से मैंडेट नहीं मिला भाई, ठीक है आपने कराची के आवाम के साथ जो जुल्म करना है वो करते रहें आप, लेकिन अपनी आवाम के साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं? एमक्यू पाकिस्तान जो है वो एहतजाज क्यों नहीं करती? आप लोग हुकूमत के इत्तेहाद ही हैं। देखिए हमने 12 एहतजाज किया है, 12 हम देखें असेंबलियों से बैकआउट करते हुए आ रहे हैं। असल मसला ये है कि एक तो देखें कराची की डायनेमिक को समझने की ज़रूरत है। कराची की आबादी तेज़ी के साथ बढ़ रही, इन्फ्लैक्स रोज़ाना का है, लोग आते हैं और यहाँ पे रह जाते हैं, ज़ाहिर है कि एक रोज़गार लोगों को मिलता है। बात यह है कि यहाँ की जो आबादी है वो तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ पहुँच चुकी है। 3 से 3.5 करोड़ की आबादी पर दुनिया के अंदर मुल्क हैं, उस मुल्क में 40-40 सूबे हैं तो फिर वो कंट्रोल होते हैं। तो ये एक इतनी बड़ी आबादी का एक ऐसा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जिसको आप इकोनॉमिक हब भी कहते हैं, यहाँ ये पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। इकोनॉमिक जो यहाँ के लोग हैं वो 70% जो है अपना रेवेन्यू में हिस्सा दे रहे हैं, टैक्सेस अदा कर रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। अब बेचारी ये खातून जिन्होंने अभी अभी बात की, आप बताएं इनका क्या कसूर है, इन लोगों का क्या कसूर है, आवाम का क्या कसूर है कि ये जो है जो लोगों को परेशान किया हुआ है। भाई आपके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आप लगाएं उठाएं कचरा, क्यों नहीं उठा रहे? उस वक्त भी हमें ये मुसीबत होती थी कि भाई ये आके कचरे उठाएंगे, या तो आप इसका उस वक्त भी ये सूरत हाल हुआ करती थी, कचरे के अंबार लगे हुए थे, उस वक्त भी आवाम परेशान बेबस थी। देखें अभी देखें हम एक साल से जो है लोकल गवर्नमेंट नहीं है ना, अब तो सिंध गवर्नमेंट है, अब तो शहर चमक जाना चाहिए था। चले उस वक्त तो हमारे साथ इनकी जो एक पॉलिटिकल जो है सियासी वो थी, इख्तलाफ होते हैं सियासी, उसके वजह से नहीं कर रहे थे आप। अब तो कर लेना, आपके पास पूरी चीज़ें, आप करें इसको, दिखाएं, शो करें कि हम ये कर सकते हैं। तो ये इनके देखें ये जो है एक काम कभी नहीं करेंगे ना, ये मैंने कहा ना कि ये अपने लोगों के लिए काम नहीं करते, दूसरों के लिए क्या काम करेंगे। ये इनकी नीयतें सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन पैसे के ऊपर है। अभी आप देखें कि अभी मेरे ख्याल में किसी इनके मिनिस्टर के घर पर छावा मारा पड़ा है तो उसमें 500 करोड़ रुपये घर पर मिले। इससे पहले आपने आगा सिराज दुरानी घर पे देखा होगा, करोड़ों रुपए मिले। मैं तो कह रहा हूँ कि इदारे कहाँ हैं, या तो इदारों ने पैसे लेने लगता है, छोड़ दिया उनको। इस बात का तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम मेयर कराची की आपने बात की, मेयर कराची के पास इख्तियारात नहीं थे, उनको इस तरह का फंड नहीं दिया जा रहा था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंटर और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी तो उनके मातहत था ना, उसमें उन्होंने कचरा उठाना उनकी जिम्मेदारी थी, उसमें उन्होंने क्यों नहीं कचरा उठवाया? नहीं देखें मैं आपको बता दूं, ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नहीं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट भी था, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट भी था, हाँ। तो ये ऐसा नहीं है कि वो एक उनके उनके अंडर में सारी चीज़ें आती हैं। ये एक अगर वो ट्री बनाएंगे तो वो सारे आते हैं, सारे जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उनके ही कंट्रोल में आते हैं। लेकिन मैंने कहा लेकिन इन दो डिस्ट्रिक्ट में सॉलिड वेस्ट काम नहीं कर रही थी। हाँ इसमें ये था कोरंगी और सेंट्रल में, हाँ देखिए कोरंगी में भी बहुत बाद में उन्होंने लास्ट मेरे ख्याल में आखिरी 7-8 महीने साल था जो उस वक्त उन्होंने मजबूर होकर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने भी कहा था कि भाई इसको जो है ये दे दें उनको। अब होता ये है कि जब ये सारा सिस्टम बन रहा होता है तो उस सिस्टम के अंदर बाकायदा ये दिया जाता है ना, जी डिपार्टमेंट्स को दिए जाते हैं कि चीज़ें ये इन्होंने करने। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नहीं मतलब लिया था, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो मसला था वो ये था कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन
जो भी थे रहने, वो उन्होंने कहा था कि ये मैं देख रहा हूँ जो भी था इस, आप लोगों के हाँ अपने ठीक है ना। चेयरमैन अब वो आपको नाम ही नहीं जाहिर सी बात है कि पता। ये देखें, जैसे वो डिस्ट्रिक्ट भी हमारा था, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट भी हमारा था, डिस्ट्रिक्ट कौरंगी भी हमारा था, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट भी हमारा था, लेकिन मामला ये थे कि जो हमें फंड मिलने थे, देखिए एक होता है इसमें जिला ऑक्ट्राई टैक्स होता है जो आता है हर डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है उस डिस्ट्रिक्ट में फॉर एग्जाम्पल इनके पास जब आता था अपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, हमारे जो सबक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे रेहान हाशमी साहब, उनके पास आता था कभी 24 करोड़ आ गया, कभी 22 करोड़ आ गया, वहाँ की जो सैलरीज थी वो 26 करोड़ थी। अच्छा, तो जो डिपार्टमेंट का जो मामला वो कैसे चलाएं, नहीं सैलरीज तो उसमें बकवाल, आपके चौबीस हाँ करोड़ फंड आता था, सैलरीज जो है 26 करोड़ थी, जो सैलरीज पे करने के बाद भी अपने एम्प्लॉय से वो काम नहीं करवाते थे। नहीं, उसमें ये था कि जो अभी जो भी आप सेंट्रल की सूरत हाल देखिए, कितनी बदतर सूरत हाल है। देखें ये बिल्कुल सही है जो आपका कंसर्न है, वो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही है कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज थे वो काम नहीं कर रहे थे या कोई थी, ये फिर जिम्मेदारी आती है उस वक्त कि वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के ऊपर कि भाई वो क्यों नहीं काम कर रहे थे। लेकिन जो गाड़ियाँ जो इसमें इक्विपमेंट होता है वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं वो उनके पास है, वो कहते हैं हमें हमें जो है वो वसाइल भी प्रोवाइड किए जाएँ, तो वसाइल वो प्रोवाइड नहीं हो पाते थे। तो कहीं ना कहीं हमें फंड्स की ज़रूरत होती है। जो देखें अभी इस वक्त की जो पोजिशन है मौजूदा, मैं आपको बताऊँ कि जैसे इनको आते थे, मैंने बताया ना कि इसी तरह 22, 25, 21, 20, 18 इस तरह से जो है वो प्रोवाइड होते थे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उसमें इनके सैलरीज थी वो जो मतलब उसका रेशियो था सैलरीज का इधर, और पैसे इनके पास इधर आते थे। तो फिर ये क्या करते थे, अपने ओन रिसोर्सेज वगैरह थे जो इस्तेमाल करते थे थोड़ा बहुत, उसमें ये काम करते थे। देखिए एक चीज़ ये है कि कराची के अंदर इस वक्त की जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 साल से इसको स्टडी भी कर रहा हूँ और पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है सेंट्रल बलदियाती कमेटी की, तो उसमें गायब गायब मैं जो इस वक्त देख रहा हूँ उसके अंदर मैं समझता हूँ कि इस वक्त की ज़रूरत जो है वो है कराची को 1,000 अरब रुपए की। सही अच्छा, ना, 1,000 अरब रुपए का मतलब ये, और ये फिगर मेरी नहीं है, ये फिगर भी वर्ल्ड बैंक ने दी। और जो 11 अरब है उनका क्या और होगा? 11 अरब से कुछ नहीं होगा ना, मैं कहना ये ऊँट में जो है ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। असल में मसला सारा ये, मैं बता रहा हूँ, 1,000 अरब की जहाँ ज़रूरत हो, फर्ज करें कि अभी यहाँ हम बैठे हुए हैं ठीक है ना, यहाँ पर अगर 6 आदमी इस वक्त हैं यहाँ पे और एक आदमी का खाना आएगा, 6 आदमी कैसे खाएंगे, खा सही। देना। तो ये सिलसिला है, इसको जब तक कि हम उसकी डिवीजन नहीं करेंगे, देखें एक अवार्ड होता है NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन को, जो हमें फेडरल गवर्नमेंट देती है, ये प्रोपोर्शनेट मिलता है। बदकिस्मती से जो हमारा सेंसेज है मर्दमशुमारी वही गलत हो रहा है पिछले 3 दहाइयों से, हम इस पर चीख चीख के थक गए। अभी अल्लाह करे कि फेडरल गवर्नमेंट ने जिस तरह इसको टिकअप किया है, अगर उसको पाए तकमील तक पहुंचा दें तो फिर तो सही है, अदरवाइज़ फिर ये होगा कि हमें पैसे कम ही मिला करेंगे। वही वाली बात होगी कि यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें कि इस कमरे के अंदर 6 या 8 आदमी के बैठने की गुंजाइश है, तो यहाँ पर 6,000 आदमी आ जाएँ तो आप क्या करेंगे। तो कराची के साथ ये हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है पूरा, हमारे पास सिस्टम नहीं है, पानी लोगों के पास नहीं है, सीवरेज सिस्टम ख़राब है, कचरा कुंडी बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके हल यही है कि इसको प्रॉपर फंडिंग करके प्रॉपर उसकी जो है मॉनिटरिंग भी की जाए। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मर्दमशुमारी बेसिकली देखें ये जो है इसकी जो जैसे मैंने बताया था कराची की जो डायनेमिक को समझने की ज़रूरत है, और यहाँ पे 3.5 करोड़ की आबादी का शहर, जिस जो जो अगर मुल्कों का आप नक्शा निकाल के देखें ग्लोब उसमें, तो आपको पता चलेगा कि इस आबादी के जो है मुल्क हैं। तो यहाँ ठीक है पर जब हम इसको उस लिहाज से नहीं देख पा रहे हैं, और आज अगर हम बात करते हैं कि भाई कि अगर आपसे जो है संभल नहीं रहा है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना के इसको संभालें, क्योंकि इसी तरह संभाला जाता है ना। फिर आप जो है अगर फर्ज करें कि आप आपके घर में जब आप रहते हैं माँ बाप के साथ, बच्चे होते हैं, तो उस वक्त एक एक घर होता है छोटा सा जिसमें 2 कमरे होंगे, एक एक हॉल होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, भाई बहन 5-6 होते हैं, जब बढ़ जाते हैं तो क्या करते हैं, मजबूरन फिर ये होता है कि सब अलग अलग जो है यूनिट में चले जाते हैं। जी हाँ, तो उस यूनिट में तकसीम करना होगा इस शहर को भी इसी तरीके से, अगर नहीं करेंगे तो हम फिर इस शहर के साथ ज्यादती करेंगे, लोगों के साथ जुल्म करेंगे। क्योंकि ये इस वक्त जो इस वक्त सिलसिला ख़ास तौर पे जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, इनका जो रवैया है वो आवाम के साथ सही नहीं है। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के नाम के ऊपर, लॉकडाउन के नाम के ऊपर जो लूट मार हुई है, जो लोगों के साथ तूफान बदतमीजी हुआ है, जो कारोबारी लोगों के साथ जो हालात जी किए हैं हाँ, उन्होंने, वो एक आपके सामने पूरा खुली किताब की तरह है। तो ये ठीक सब है चीज़ें आप देख रहे हैं, सब चैनल दिखा रहे हैं इसको कि ये ज्यादतियाँ की जा रही हैं। आप
उन लोगों को जो कि बेचारे अपने छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उनको आप जिस तरह से उनके साथ अगर अगर चलें, किसी को जुर्माना भी कर रहे हैं, 1,500 रुपये जुर्माना कर रहे हैं, आप 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए जुर्माना करके आप बंद करवा रहे हैं यूनिट सारे उनके। बिल्कुल ठीक डांस जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ करेगा। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। एमकेएम पाकिस्तान से शेख सलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे एमकेएम पाकिस्तान की जो उन कारकर्दगी के हवाले से, एमकेएम पाकिस्तान जो है वो कराची से एक बड़ा वोट बैंक लेती थी, लेकिन अब आवाम ने एमकेएम पाकिस्तान को मुस्तरद कर दिया, ऐसा क्यों? आप समझती हैं कैसा हुआ है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बल्दिया का सूरत हाल आपके सामने, छठे नंबर पे आ गए, लाखों वोट जो है लेने वाली जमात जो है चंद हजारों के वोट पे आवाज देखें। चुकी है। मैंने मैंने कहा ना कि एक तो ये था कि वहाँ पर जो बायफिकेशन हुई है, जो डिलिमिटेशन हुई है, उसकी वजह से हमें ज़रूर फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये है कि क्योंकि वो उसके मैंने कहा ना कि 75-80% इलाके जो हैं थोड़े से जो हैं वो हमारे उस एरिया से हट चुके थे, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आई है। दूसरी बात ये कि देखें, जो इस वक्त 2018 के इलेक्शन अगर आप उसको देखें पूरे पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे फिर हम कराची को देखते हैं, तो कराची के साथ सीटें गई नहीं है। कराची की, कराची के जो मामलात हैं ज़रा डिफरेंट अंदाज में हुए हैं, और उसमें यकीनन जो हमारी कमज़ोरी थी एमकेएम की, उस वक्त 22 अगस्त का एक हमारे साथ एक सानिया हो चुका था, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि हमारा एक जो एक मरकज़ था वो ख़त्म हो चुका था। उसके बाद कुछ हमारे अंदर से भी जो डिफरेंट डिविजन्स का आपने देखा होगा, जो उसकी वजह से भी असरात थे पार्टी के, जो है वो नुकसान हुआ। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि शायद अभी जो आप लोगों के काम करने वाला आपके कारकुनान आपके साथ जो जिम्मेदार हैं, वो अब दिल लगा के काम कर रहे हैं, जो आप लोगों के बिगड़े हुए लोग थे वो छट चुके हैं उसमें से। आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं, छन भी जाती हैं, और अच्छा है कि ये छने। मैं तो कहता हूँ कि पार्टी के मफाद में है, और ज़ाहिर है कि हम एक अवामी पार्टी है तो अवाम भी हमें देख रही होती है। अगर इस तरह के लोग हैं, अगर छट रहे हैं तो अच्छा है कि छट जाएं। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर कहूँगा कि कराची के साथ मुसलसल जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसमें एमकेएम के साथ जो ज़्यादती की गई है, उसका असर अच्छा नहीं पड़ा है। पूरे मुल्क जो है उससे इस वक्त हिला हुआ है, क्योंकि देखें आप एक एक ऐसी पार्टी को जो कि जिसकी जो एक मैंडेट रखने वाली पार्टी थी, और उसको आप इस ऐसी साजिशें की गई जिसके ऊपर जो है आपने इसको डिवीजन बना दिया गया, इसको डिवाइड किया गया मुख्तलिफ धड़ों के अंदर, फिर उसके बाद आपने मैंडेट इसका चोरी किया है, जो 2018 के इलेक्शन में मैं आपको कह रहा हूँ 100%, क्योंकि मैं खुद इस इलेक्शन में मेरी कौन सी सीट थी पता है आपको? NA 254। अच्छा, NA 254 कहाँ की सीट थी? वो 90 वाली थी। क्या मैं 90 से मुझे कोई हरा सकता है, ये बता दें आप ईमानदारी के साथ बैठ के अपना खुद तजिया दें। तो ये जो है 90 की सीट जो कि एमकेएम का गढ़ है, वो सीट भी आप हमारे से ले ली गई। आप ये देखें ना, तो जब लियारी से पीपल्स पार्टी हार गई तो फिर एमकेएम से, तो अगर एमकेएम पाकिस्तान हार जाती तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। जो कितने कई सालों से वोट लेती हुई आती, वोट लेने वाली जमात पीपल्स पार्टी जो है लियारी से, जो कभी तस्वुर नहीं कर सकते थे हार जाए, वो वहाँ से हार गए। देखिए बिलावल भुट्टो खुद हारे। देखें एक बात मैं बताऊँ आपको, ये जो हुआ है ना, ये सब हुआ इस जिस तरह करवाया गया, जिस जो मकासद थे उस मकासद के लिए किया गया था। हम भी खामोश हो गए थे, उसकी वजह ये थी कि हम समझते थे कि शायद ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी से हो सकता है कि पाकिस्तान के अच्छे हालात हो जाएं। हम भी खामोश हो गए कि हमने कहा कि चलो ठीक है कि अगर पॉलिसी मेकर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक अच्छी डायरेक्शन पर ले जाना है, जहाँ पर हमें ये कुर्बानी देनी पड़े, हमने कुर्बानी देने के बाद खामोश हो गए। आप यकीन करें कि क्या हमें इस कुर्बानी का क्या फ़ायदा हुआ कि आज कराची की हालत वही है जो पहले थी, पाकिस्तान की हालत वही है या उससे अबतर हो गई है, उससे बदतर हो गई है। तो आप ये देखें, मैं ये समझता हूँ कि उनको उनको शर्मिंदगी के साथ इस वक्त
पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने जो पॉलिसी एक बनाई थी या हमने पॉलिसी हम चाह रहे थे, अब इस पॉलिसी में हम भी नाकाम हो गए। तो इसका मतलब यह है कि जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, ठीक है, मौजूदा गवर्नमेंट जो है, क्या वो डिलीवर कर रही है पूरे पाकिस्तान में? क्या उसने मईशत को संभाला? क्या महंगाई कम हो गई? क्या आवाम जो है इस वक्त खुश हैं? तो ये सब फेडरल के इत्तेहादी है, तो आप लोग अपनी बात क्यों नहीं उनके सामने रखते हैं, अपना हक क्यों नहीं लेते हैं? देखें, हम जो है जाहिर है कि एक प्रोपोर्शनेट बहुत छोटा हमारा हिस्सा है इस वक्त। पहले ये था कि हम जब होते थे एक अच्छा हिस्सा मिलता था, लेकिन इस वक्त जो है हम बहुत बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है कि हमारी इस वक्त 6 सीटें जो थी हमारी इलेक्टेड थी, एक उन्होंने रिजर्व दी थी, 7 सीटें, 7 सीटें के ऊपर उन्होंने एक प्रोपोर्शनेट हमें एक हिस्सा दिया। उसके ऊपर भी हम बैठ के उनके साथ जो डिस्कशंस कर रहे हैं इस वक्त, वो हमारे पहले दिन के साथ 9 निकात के ऊपर थे, फिर बाद में वो 14 हो गए। तो हमने उसको जो है उनको वही चीज़ डिमांड की है, ख़ास तौर पर कराची की आवाम के लिए, कि कराची की आवाम के इतना जो है उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं मिला। क्योंकि पहला भी उनका जो 162 अरब रुपये का था, वो उन्होंने वो भी अभी तक रिलीज़ नहीं किया। जो रिलीज़ किए वो 1 अरब रुपए पिछले तकरीबन कोई 6 महीने पहले, उसके बाद हमने हैदराबाद और मीरपुर खास सखर नवाबशाह के लिए कुछ मांगा था, वो भी हमें नहीं मिल सका। तो इस वक्त देखें, हम उनके अच्छे काम अगर होंगे तो हम उनके साथ हैं, लेकिन अगर वो उनके साथ, अगर वो हम ये देख रहे हैं, उनको बार बार उनको इंतबाह कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं सही नहीं हो रही हैं, इसके लिए जो है अब आप देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इमरान खान साहब, कराची से उन्होंने सीट ली, गुलशन इकबाल वाली जो सीट थी, इन्हीं की सीट थी ना जी। वो पूरे 3 साल में कितने दिन कराची आगे बैठे, है ना, कराची आगे बैठना चाहिए था उनको। कम अज़ कम मेरे हिसाब से महीने के अंदर कुछ नहीं 3 दिन 4 दिन बैठे यहाँ पे, या फिर 1 महीने के लिए आ जाएं, बैठ जाएं कि मैं इसको सही करके जाऊँगा और मैं इसके इस पूरे कराची को रिपेयर करके जाऊँगा, 1 महीने के लिए बैठें हम उनके साथ। लेकिन ये कि ये सिंसेरिटी नहीं आ रही है, ये नहीं आएगी कभी भी। उसकी वजह ये है कि किसी को कराची से कोई गर्ज ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंडेट के लिए आ जाएंगे, लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद काम करने के लिए कोई ग्राउंड पे नहीं उतरता। काम करने के लिए हमेशा जो उतरी है वो MQM ही उतरी है, MQM ही उतरना है, और इंशाल्लाह फ्यूचर मुस्तकबिल में भी आप देखेंगे MQM ही काम करेंगे। ठीक है शेख साहब, आप बताएं आपको क्या लगता है, सिर्फ अच्छा खाना, पानी, बिजली, गैस, यही सिर्फ सूबे का हल है? देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त जो मसाइल हैं, मसाइलिस्तान बन गया ना कराची, तो बेसिकली ये सिर्फ अच्छा खाना और बिजली से नहीं है, बल्कि देखें उसमें आपके जो मेन चीज़ें हैं कि आपको आपकी दहलीज पर आपके मसाइल का हल हो, फिर उसके बाद आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, फिर आपके पास सेहत का मामला आता है, दूसरा हेल्थ का, कि आपको अच्छे हॉस्पिटल्स हों। लेकिन जब आप यहाँ भी देख रहे हैं कि आपको जो है वो दोहरा निज़ाम तालीम है, आप अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाना मुनासिब समझते हैं, आप नहीं जाते गवर्नमेंट स्कूल में, इसलिए कि वो उनकी हालत जो है बदतरीन सूरत हाल में, वो छतें गिर रही होंगी, वहाँ पर जो मामले आते हैं वो आप देख रहे होते हैं, टीचर्स नहीं हैं। इसी तरीके से हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो गंदगी है उसमें और बीमारियाँ लेके आएंगे। तो कोशिश ये करते हैं कि फिर ठीक है, हम अपनी पूरी जमा पूंजी भी लगा देते हैं। तो हम उस वक्त तक देखें, ये एक वो बात नहीं है, बल्कि ये एक हर घर की बात है, हर जो इस वक्त पाकिस्तानी है, जो इस वक्त कराची में रह रहे हैं, उसकी ख्वाहिश ये है कि उसके मसाइल, उसकी दहलीज पर हल हो, जो लोकल ये बल्दियाती सिस्टम है वो जो काम करता है वो काम करे, जो गवर्नमेंट के काम है, जो जिन्होंने जो है सूबाई गवर्नमेंट के काम होते हैं, जो सेहत और तालीम के हैं, वो अच्छे काम हों। तो ये तमाम चीज़ें आवाम को अगर मिलती हैं, देखें मैं आपको बताऊँ कि मेरा बहुत अरसा मैं मुल्क से बाहर भी रहा हूँ, तो मैंने ज़्यादातर ये वॉच किया लोगों को कि वो कभी भी डिस्कस ही नहीं करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन हमारे पास ये होता है कि हम अगर कहीं भी किसी भी सर्कल में जाते हैं तो हम सिर्फ पॉलिटिक्स देख रहे होते हैं, या फिर लोग डिस्कस कर रहे होते हैं सियासत को कि वो फला पार्टी और फला चीज़ फला एक दूसरे को, यही यहाँ पर डिस्कशन थी, लेकिन बाहर कहीं नहीं होती, इसलिए कि उनको ज़रूरत ही नहीं होती है कि ये उनके पास जो टाइम है अपने काम का, अपने चीज़ों का, अपने मामलात को देखने का, इसके अलावा उनको किसी चीज़ से गर्ज ही नहीं है, क्योंकि वो एक सिस्टम बना हुआ होता है, वो सिस्टम ऐसा होता है। अभी देखें, अभी आप घर जाएं, बिजली का बिल आपका अगर आप देखेंगे ना, तो आप
पे जो है ना वो कहते हैं ना धुआं निकलना शुरू हो जाएगा कि नहीं, अभी मैंने हम कितनी जिक्र करें तो बिजली ओवर इस्तेमाल ब्लोइंग की के हवाले से किस कदर जो है ओवर ब्लोइंग की जा रही है, आवाम बहुत परेशान है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। मतलब एक जो बंदे की अगर मैं बात करूँ, अगर 8 या 10 हज़ार रुपये सैलरी है तो वो अपना आधे ज़्यादा तो बिल में उसकी तनख्वाह निकल जाएगी, तो वो घर में बच्चों के लिए कहाँ खाने को लेकर आए, फिर अपने और उनके मामला थे वो कैसे वो करेंगे। देखिए यही यही मेरे कहने का मकसद था ना कि जो हर घर की हालत है वो यही है कि आपने जो जो एक लेबर की जो एक सैलरी होती है हमेशा जो बजट के अंदर हम उसको बढ़ाते रहते थे, अब तकरीबन 18,000 या 20,000 के करीब है। देखें अब ये इस वक्त की मैं पोजीशन में मैं समझता हूँ जो इस वक्त की पोजीशन है उसमें कम अज़ कम मिनिमम मिनिमम भी 50,000 होनी चाहिए। 50,000 से कम वाला अब उस वो नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह आपने भी कहा कि यूटिलिटीज़ बिल, चाहे बिजली हो, चाहे गैस हो, चाहे वाटर हो, दीगर जो आते हैं बिल, उसको अदा करने के बाद आपने बच्चों के कपड़े हैं, खाना पीना है, आपने सब चीज़ें करना है, तो इसमें ये ज़रूर है कि जो एक बेसिक है गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ आपके तवसुत से मैं कहूँगा कि इस बजट के अंदर ऐसे फैसले करें कि जो आवाम की मायार को बेहतरी बना सकते हैं और कम से कम उनको रिलीफ दें, देने की कोशिश करें। ठीक है, महाजिर सूबा क्या है? देखिए महाजिर सूबा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको कहा ना कि सूबा सूबे बनने चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ महाजिर नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सूबों की ज़रूरत है। ये तमाम शहर बहुत बड़े हुए हैं और अगर आप, मैंने कहा ना कि अगर आप दुनिया के अंदर देखें तो ये मुल्क हैं इतने बड़े बड़े जितने शहर हैं, तो वहाँ पे 40-40 सूबे हैं, तो यहाँ पर सूबे बनने चाहिए। जितने सूबे बनेंगे उतना वफाक मजबूत होगा, इससे लोगों को जो है वो ज़्यादा इत्मीनान होगा, इसमें लोगों के इसमें फ़ायदे हैं। इसमें कि आप जो है इसे महाजिर सूबे की बात नहीं, बात देखें मैं ये समझता हूँ लेकिन एमकेएम तो कहती है महाजिर सूबा बनना देखें, चाहिए। अब मैं आपको इस तरफ भी आ रहा हूँ आपकी तरफ। देखिए महाजिर सूबे क्या क्यों है, मतलब अगर कोई कहता है तो आप सुने उसकी बात, वो क्यों कह रहा है, क्यों वो क्यों कह रहा है कि महाजिर सूबा, मतलब महाजिर सूबा बनेगा एक वाहिद हल, ये इसके अलावा कोई हल नहीं है भाई। तो जितने सूबे बने हुए पाकिस्तान के अंदर ये कौन से नाम पे बने हुए हैं? पंजाब का सूबा पंजाब के नाम पे बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, पंजाबियों के लिए ना। बलूचिस्तान किसके लिए है? बलूचिस्तान के नाम पे बना है, बलूचियों के लिए है। केपी के खैर पख्तूनख्वा किसके नाम पे बना हुआ है? पख्तूनों के लिए। तो अगर कराची, अगर कराची में कोई अगर कहता भी है कि माजी सूबा बन जाए, चलें ठीक है भाई माजी सूबा बना दो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन आवाम तो मेरे ख्याल से ऐसे नहीं चाहती है। देखें आवाम भी चाहिए, आवाम तो आवाम तो सिंध को कराची को अब कभी अलग समझती नहीं है। नहीं हम भी नहीं समझते थे, लेकिन अब समझना पड़ रहा है कि जब शहरी और देही का फर्क आ गया तो समझना पड़ रहा है ना भाई। सिंध जो है सिंध सूबा है, ठीक है ना। सिंध की जो जो मामलाते हैं, फर्ज करें कि इस वक्त तमाम जितने भी सूबे हैं हमारे उसमें सिंध एक सूबा है, सिंध को भी वैसे ट्रीट किया जाए जैसे दूसरे सारे सूबे हैं। पंजाब में कहीं ऐसा है कि देही अलग और शहरी अलग है? नहीं, केपीके में है, बलूचिस्तान में नहीं है ना, सिर्फ यहाँ पर है। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि देखें बात सुने सी सी बात है, हम ये कहते हैं कि हर काम मेरिट की बुनियाद पर होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ये मेरिट नहीं चाह रहे ना, तो फिर आप चाह रहे हैं कि उसको अलग करना है। हमने कोई ये देही वो नहीं चाह रहे, ये आप लोगों के नारे महाजिर सूबा, ये हमने बनाया, ये एमकेएम ने बनाया है कि जो देही और शहरी अलग अलग कर दे। नहीं ये तो फर्क फिरका वारियत तो आपने हमने जो आवाम के जानों में डाली है ना, मतलब अगर आप लोग होंगे मुश्किल से आवाम जो है फिरका वारियत से बाहर निकली। अच्छा ये देखें फिरका वारियत से निकालना, चले हम निकालना चाहते हैं ना, आज ही घर फैसला कर ले, चले हम निकालना चाहते हैं। सही है, आप कराची के हुकूक दे दें सब, कराची को आप मुझे बताएं जब आप लोगों के पास वक्त था तो आप लोगों ने कराची के आवाम को क्या डिलीवर किया? हमने जो डिलीवर किया मैंने बताया आपको प्रोग्राम के शुरू में, 4 साल हमें मिले थे सिर्फ, उस 4 साल में हमने भरपूर डिलीवर किया। वो लेके बैठेंगे ना जब डाटा, मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें कि ये हमने डिलीवर किया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो लोग चाहते हैं कि जो है सूबा हो, लेकिन उस वक्त आप लोगों ने जो कराची के द्वारों पर लिखा था कैसे हुआ गुजारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, ये जो नारे हुआ करते थे महाजिर सूबा के, जो बड़े बड़े आप लोगों ने पूरी वॉल चॉकिंग की हुई थी, तो वो कौन लिखता था, वो कौन है? देखें ये यही तो अवामी जो जो आता है ना, जब आपके पास राय आती है अवाम की राय आती होती है कि अब ये चीज़ होनी चाहिए। देखें ये हमारे नारे से नहीं होगा बल्कि ये सारे मिल के जब करेंगे तो सब चीज़ें हो जाएंगी। हम तो कह रहे हैं, मैंने पहले ही कहा ना कि महाजिर सूबा नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दें आप यार, मतलब आप अगर आप काम करना चाहते हैं, अब महाजिर से अब नफरत है, आप महाजिर नाम से जो कि हुज़ूर असलम का बेहतर वर्ड था उससे आपका नफरत है, तो चलें भाई आप उस नफरत कर लें उससे भी, लेकिन आप किसी तरह से किसी जगह तो आ जाएं कि उस सूबे को, जैसे आपने सिंध, जैसे आप जब जॉब करते हैं देते हैं
तो देही को आप देते हैं पूरे पूरे जॉब 90%। इसके इस तो अब जवाब के इसमें बाद दोबारा हम इसको इसमें दोबारा कंटिन्यू करते हैं। शेख हमारे साथ कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है मुझे आपकी? आपको आ रही है? कम आ रही है आपकी आवाज़, कट रही है आपको? आप आवाज़ क्लियर है जी? लाइक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप असला जी जी क्या कहना चाहेंगे आप जी? मैं महानूर बोल रही हूँ कराची से जी। महानूर कहिए, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो ये कि शायद कोई मसीहा ऐसा आ जाए, मैं तो कहती हूँ कि परवेज मुशर्रफ जैसा कोई बंदा हमें मिले जो शायद दोबारा पाकिस्तान के हालात को उसके ऊपर ला सके, एक अच्छे हालात में आ सके। लेकिन ऐसा तो मुश्किल लग रहा है। और जो मैं ये कहती हूँ कि खैर ये गवर्नमेंट जो आई है इसने तो बिल्कुल ही हमें बर्बाद कर दिया है, सही? क्योंकि ये गवर्नमेंट ऐसी है इसमें हर तरह से इंसान आवाम जो है ना, खासतौर पर गरीब आवाम परेशान हो चुकी है, ठीक है? बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई है और महंगाई महंगाई जो है वो इंतहा को पहुंच चुकी है जी, ये बात तो खैर है। और जिससे मैं कराची के लिए बोलूंगी कि कराची में जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, कोई इसका जो है ना पुरसाने हाल नहीं है। हर जगह की सड़कें टूटी हुई है और पानी का निजाम इतना खराब है, सैवरेज का निजाम अलग खराब है। अब हमें तो शायद आगे कोई नजर नहीं आ रहा कि कोई ऐसा मसीहा आएगा जो इसको सही करेगा जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए महानूर आपका। जिस तरह से ये कराची की आवाम है जो परेशान बेहाल बेबस अपनी जो है आवाज़ें चाहती है कि हम टेलीविजन के से हम आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिशें क्यों करें, क्योंकि जब वो किसी नुमाइंदे के पास जाते हैं और नुमाइंदे जो उनकी बात को सुन के अनसुनी कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं, तो वो फिर जो है टीवी चैनल्स को जो है उनका इंतखाब करते हैं। और जो है जिस तरह से इलेक्शन से पहले हमारे कारकुनान, हमारे MPs MNAs जो है वैसे तो बड़े बड़े दावे करते, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हों, कि हम आएंगे और आपके दिन बदलेंगे, कराची को हम तब्दील करके दिखाएंगे, तब्दीली लेके आएंगे। फिर उसके बाद जो है जो सूरत हाल आवाम के सामने आ जाती है, चाहे वो मैं बात करूं गंदगी का ढेर हो, बल्दियाती निज़ाम हो, गंदा पानी हो, सीवरेज का निज़ाम हो, हर सूरत हाल में आवाम ही पिसती है। तो ये जो आवाम की आवाज़ है, अगर आज मेरा ये प्रोग्राम जो है कोई देख रहा है, इसको प्लीज़ आगे ज़्यादा शेयर करिएगा। और पानी की जो मसला है, जो मेन पानी का मसला है, खुदारा आप लोग इसके ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि आवाम जो पानी की बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो गई है। बिजली के जो ओवर बिलिंग है इसके ऊपर जो है कम से कम आप लोग, मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि आप लोग भी खुदारा इसके ऊपर जो है एक्शन लें, आप लोग भी अपने प्लेटफॉर्म से, एमकेएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप लोग भी जो है आवाज़ बुलंद करें इस हवाले से, क्योंकि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, सभी हम अपने प्रोग्राम में जब भी उनको बुलाते हैं तो वो कहते हैं हमने जो है MD से बात की है या हमने डायरेक्टर से बात की है, हमने मैनेजर से बात की, लेकिन बात करना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सिर्फ बातों की हद तक ही नहीं होता है नाज़रीन। आप लोग जो है अपने हक के लिए भी आप लोग खुद भी कोशिश करें कि आप लोग निकले और अपना हक लें। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदान से खुद इजाज़त, दुआ में याद रखिए, अपना फीडबैक देना ना भूलें। मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगी। मैं तो इसमें एक कॉमेंट्स करना चाहूँगा इनके ऊपर जो बात हमारी बहन ने की। देखिए बिल्कुल, मैंने जो है यही शुरू में कहा था कि परवेज मुशर्रफ एक वाहिद थे जो साबिक सदर जो थे जनरल साहब, उन्होंने जो है इस बात को रियलाइज़ किया और उन्होंने वाकईतन जो है जो सपोर्ट की है हमें और भरपूर काम हुआ। देखें आज भी उन्होंने भी कहा, मैंने भी शुरू में आपसे कहा, तो मैं समझता हूँ कि देखें एक तो ये था कि जैसे पहले आप सूबे की बात कर रही थी, देखें हमें सूबे से भी कोई गर्ज नहीं। आप पाकिस्तान बनने के बाद कराची अंडर उसके था ना वफाक के, वफाक के हवाले कर दें ये पूरा शहर, हम इस पर भी एग्री हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो जो इस वक्त जो सिस्टम है वो तबाही की बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है, उसको खुदारा बचा ले। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, गवर्नर राज लगना चाहिए या नहीं? देखिए नहीं, गवर्नर राज नहीं लगना चाहिए, नहीं जो लगना जो 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 सिस्टम है जमहूरियत का, अगर या तो आप ख़त्म कर दें सब सारी चीज़ें, अगर आप जब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में है तो उसको डेमोक्रेटिक तरीके से चलाएं, लेकिन उसके अंदर जो जो रद्दबदल करनी है वो ज़रूर करें, अच्छे लोगों लाएँ और ऐसे ऐसे मामला रखें कि जो हमारे पास अदल इंसाफ जो है सही हो जाए, क्योंकि बेसिकली पूरा मुल्क जो है आपका डिपेंड करता है वो जुडिशरी पे करता है। खुदारा इस जुडिशरी को आज़ाद छोड़ दें ताकि ये काम अपना कर सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख सलाउद्दीन साहब।
हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आवाम किस कदर परेशान, बेहाल, बेबस है, और अब उनकी आवाज़ें नहीं सुनी जा रही हैं या सुनकर इग्नोर कर दी जा रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है उनकी आवाज़ें सुने, क्योंकि यही आवाम आपको इस पोजीशन पे लेकर आती है और आप फिर उनको जो है दरगुजर करते हैं, तो वो फिर मतलब क्या करें, किससे अपने अपना हक मांगे। अपना हक लेने के लिए मेरे ख्याल से आप लोग खुद ही निकलेंगे तो ज़्यादा बेहतर, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। ये मैं आपको ये अपने प्लेटफॉर्म से ये सजेशन दूंगी, क्योंकि हम लोगों ने अपने हक मांग मांग के अब थक चुके हैं, लेकिन हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। मुझे मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें, फीडबैक देना ना भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।